नमस्कार, मैं हूं राजेश जैस। रांची में ही पला पैदा, बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन किया यहां से। जब जिन दिनों मैं यहां करता था 1988 के पहले, रंगकर्म से जुड़ा हुआ था। और मतलब एक टाइम आता है कि सैचुरेशन आ गया कि अब क्या, काफ़ी थिएटर कर लिया, काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ में जुड़ा रहा, तो शहर से बाहर निकलना एक मजबूरी थी कि अगर इसी में करियर बनाना है, इसी को प्रोफेशन चुनना है, तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर आसमान थोड़ा बड़ा था। लेकिन आज की डेट में वैसी हालात नहीं हैं। ग्लोबली कनेक्टेड हैं, यूनिवर्सली कनेक्टेड हैं हम लोग बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और इतनी ज़्यादा ये दुनिया बदल गई है पिछले 30-35-40 सालों में। ये रांची, ये जमशेदपुर वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल, आपको बेस्ट ऑफ कंटेंट एक्सेसिबल है बिकॉज ऑफ नेट। तो उसका असर, उसका स्पिल ओवर, उसका इफेक्ट दिख रहा है सोसाइटी में। लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं फिल्म फेस्टिवल्स के नाम पे, इवेंट्स के नाम पे, तो इससे लोकल टैलेंट्स को अपना टैलेंट शोकेस करने में मदद मिल रही है लोकली, उनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और अच्छा लग रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी फिल्में आ रही हैं जो कंटेंट रिलेटेड हैं, इशू ओरिएंटेड हैं, ग्राउंडेड सब्जेक्ट हैं, जिनसे हमारा सरोकार पड़ता है। सिर्फ वो नाच गाना बजाना उस पर आधारित नहीं है। और ये बात बड़े स्टारों को भी इसका पावर पता चल गया है, जिसकी वजह से वो कंटेंट इशू ओरिएंटेड फिल्मों में काम कर रहे हैं, ज़्यादा रियलिस्टिक जोन में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पावर है। और प्रथम झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल जमशेदपुर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इस तरह की फिल्मों को एंट्री दी गई है और फ्री है एंट्री। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो कमर्शियल थिएटर नहीं मिल पाते ऐसी फिल्मों को, तो लोग आके देख सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं राजू, मित्रा और संजय सतपति को, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है एक अच्छे काम के लिए। और इतना टैलेंट है जमशेदपुर में, सबको एक प्लेटफॉर्म मिला है। जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का जो स्टेप है रीजनल कल्चरल होराइज़न को प्रमोट करने के लिए, ये बेशक वो अपना काम कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये होना भी था, होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा छोटा नागपुर कल्चरली इट्स सो रिच, फुल ऑफ टैलेंट्स। यहाँ लोकेशंस अच्छे हैं, यहाँ की ज़बान है अपनी, यहाँ बल्कि कई ज़बान हैं, और यहाँ के अपने कॉस्ट्यूम्स हैं, यहाँ आर्ट इफेक्ट्स हैं, लोकेशंस हैं, पैसा है। मुझे शुरू से ही लगता था कि ये हमारा छोटा नागपुर जो है सिर्फ माइंस में रिच नहीं है, यहाँ से माइनिंग होती रही है, जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था गवर्नमेंट के लिए, यहाँ माइंस है टैलेंट का भी। और ये बहुत देर से शायद रियलाइज़ हुआ, या बहुत देर से वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर इन टैलेंट्स को माइंड किया जाए। बहुत टैलेंट्स हैं, वैरायटी ऑफ टैलेंट्स हैं, वेरिएशंस हैं, और कल्चरली दे आर सो रिच विच नीड्स टू बी एक्सप्लॉयटेड प्रॉपरली, और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। झारखंड गवर्नमेंट जो अभी नई फिल्म पॉलिसीज़ के थ्रू मदद करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे कि हम अपनी समस्याओं पे अपने लोगों के द्वारा अपनी जगह की बातें कहें और लोगों में अवेयरनेस लाएं, लोगों के उत्थान के लिए काम हो। तो जो प्रयास हो रहा है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत ही सराहनीय है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, यहाँ फिल्म सिटी भी बनेगा, और इससे यहाँ के लोगों को एक्चुअली फ़ायदा होगा। सबको बम्बई भागने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने यहाँ रहते हुए वो काम कर सकते हैं और अच्छा काम करेंगे। चूँकि अगर मैं खुद उस भुक्तभोगी हूँ, तो ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर जब मैं निकला रांची से बाहर 88 में, अगर उस समय ये सारी सुविधाएं होती तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाहर जाना, अपने होमलैंड से निकल के 50 तरह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है नेटवर्किंग में, जान पहचान में, तो टाइम वेस्ट नहीं होता और वो प्रोडक्टिव काम में लगता, और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा रिलैक्स एटमॉस्फेयर में काम कर पाता, लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता। कई सारी चीज़ें हैं जो बाहर निकलने पे आपको पता लगती हैं, जो आपका टाइम वेस्ट करा देती हैं कई चीज़ों में, तो वो यहाँ नहीं होता। तो अब यहाँ जो नए बच्चे हैं, जो नए टैलेंट्स हैं, उनको इनके मार्फत एक कनेक्टिविटी मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो टैलेंट शोकेस कर पाएंगे। और इसमें जो यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजर्स हैं,
वो जैसे राजू मित्रा हैं, संजय सतपति हैं, इन जैसे लोगों की भी ज़रूरत है जो ये बीड़ा उठाएं कि ऐसा कुछ काम, ऑर्गेनाइजेशनल काम करें, जो प्लेटफॉर्म तैयार करें। क्योंकि हर किसी को एक्टर बनना होता है, हर किसी को सिंगर बनना होता है, अरे भैया तो प्लेटफॉर्म तो खड़ा करना पड़ेगा, स्टेज तो बनाना पड़ेगा, इवेंट तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशनल माइंड, एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड भी चाहिए होते हैं। तो इन दोनों ने जो बीड़ा उठाया ये बहुत ही अच्छा है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको इस काम में मदद करें, ताकि हम सबके ही बच्चे कल को ग्रो करें, अपने आप के संरक्षण में वो उनको अपनी ग्रोथ मिले, उनके टैलेंट की पहचान हो, और उनको बार बार सबको बम्बई ना भागना पड़े। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और झारखंड गवर्नमेंट के इस स्टेप की भी सराहना करता हूँ, और मुझसे जो भी बन पड़ेगा, जैसे भी बन पड़ेगा, जब मैं हमेशा प्रस्तुत हूँ झारखंड के लिए।